और लोकसभा चुनाव से जुड़ी ओडिशा से इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बीजेपी और बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के बीच गठबंधन की आखिरी उम्मीद जो थी वो अब खत्म हो गई है। बताया ये जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों के बीच बात नहीं बन सकी है, जिसकी वजह से बीजेपी और बीजेडी ने अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य की दो सीटों पर दोनों दल दावे कर रहे थे और दोनों ही आखिरी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे, और ये दोनों सीटों पर दोनों का दावा ही दोनों के बीच गठबंधन न हो पाने की बड़ी वजह बनी है। और इसके साथ ही जो उम्मीद थी कि दोनों अलायंस के साथ मैदान में उतरेंगी चुनावी मैदान में, वो उम्मीद खत्म हो गई है। तो सूत्रों के मुताबिक रणनीति के तहत सहमति बनी थी कि बीजेपी लोकसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विधानसभा में बीजेडी को वरीयता दी जाएगी। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी ये चाहती थी कि ओडिशा में 16 सीटों पर उसके उम्मीदवार उतारे जाएं और वहीं बीजेडी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। यहीं से गठबंधन न होने का पहली राज सामने आई, लेकिन बीजेडी जो बीजेपी को 11 या 12 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती थी। और इसके बाद दूसरी और अंतिम रार बनी उड़ीसा की वो दोनों सीटें जिन पर दोनों ही पार्टियों में ठन गई। पहली सीट थी भुवनेश्वर की, जिससे कि बीजेपी की अपराजिता सारंगी सांसद है, लेकिन बीजेडी भुवनेश्वर की जगह कटक सीट बीजेपी को देना चाहती थी। दूसरी सीट पुरी की है, यहां से बीजेडी के पिनाकी मिश्रा सांसद है। बीजेपी पुरी सीट को बीजेडी से छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन बीजेडी ने वो सीट नहीं छोड़ी और इन्हीं दोनों सीटों को लेकर, पुरी और भुवनेश्वर की सीट को लेकर, दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल ने ट्वीट करके राज्य की सभी 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 4.5 करोड़ ओडिशा वासियों की आशा अभिलाषा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित ओडिशा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी के रिमांड पर भेज दिया है। अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें दोबारा राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अरविंद केजरीवाल। शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी के रिमांड पर भेज दिया और अब 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें दोबारा राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 9 समन ईडी की ओर से पहले ही भेजे जा चुके थे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और ऐसे में ईडी रिमांड में इस वक्त अरविंद केजरीवाल हैं। उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है, 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया।